हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी युवा विकास दल अधिकारी के पुराने पेपर में से जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन को किस किस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग से सवाल पूछे गए थे आपके पेपर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉन वर्बल रीजनिंग का है ये। इसमें हमको प्रॉब्लम सेट दे रखा है, यानी कि ये सवाल है और आपको इन चारों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कि ये चार के चारों एलिमेंट किस लॉजिक के तहत अरेंज किए गए हैं। तो अगर आप इसमें फर्स्ट वाले में देखें तो एक सर्कल है, उसके अंदर एक डॉटेड सर्कल बना हुआ है। और दूसरे में अगर आप आएँ तो ट्राइंगल है, तीसरे में स्क्वायर है और चौथे में है 1 2 3 4 5 पेंटागन है यहाँ पे। और साथ ही साथ ये जो हमारा डॉटेड ये सर्कल है अंदर की तरफ, वहाँ पे एक एरो करके नीचे दिखा रखी है। आप अपनी स्क्रीन पे जूम करके देख लीजिएगा, एक सफ़ेद कलर की एरो कभी डाउनवर्ड्स है कभी इस तरफ है, इस तरीके से है। तो जहाँ तक सर्कल का सवाल है वहाँ पे एरो डाउनवर्ड्स है और यहाँ पे इस तरीके से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ना था। घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है और उसकी रिवर्स डायरेक्शन को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे जाके, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। यहाँ से आप इसमें ऐसे पहुँच गए, यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। और अगर आप नंबर 3 में देखें तो आपको इसी तरीके का एरो देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ से 4 से 5 आपके वर्टेक्स हो गए, क्योंकि स्क्वायर से पेंटागन जाने का मतलब एक वर्टेक्स का एक्स्ट्रा आना और ये जो एरो है वो इस तरीके से है। अगला हमारा हो जाएगा हेक्सागन यहाँ पे, और जो एरो पॉइंट करेगी वो नीचे की तरफ करेगी। तो ना तो बी होगा ना तो सी होगा, क्योंकि हम लोग को बात करनी है हेक्सागन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एरो इस डायरेक्शन में है, जबकि सवाल के हिसाब से एरो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि आपको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से चल के यहाँ जाना है। तो एरो पॉइंट आउट करेगी नीचे की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। डी फिगर सही है, ऑप्शन सी सही है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टाइप का सवाल है, नॉन वर्बल रीजनिंग का है। इसमें चार के चारों आपको स्क्वायर दे रखे हैं जो आपके आउटर फिगर हैं, और जहाँ तक इनर फिगर का सवाल है तो पहला ट्राइंगल है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा पेंटागन है। तो चौथा कौन सा होगा? चौथा ऑब्वियस सी बात है हेक्सागन होगा। तो आंसर फिगर में से आपको सबसे पहली बात हेक्सागन पहचानना है, और उसके बाद एरो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एरो फर्स्ट वाले में है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और यहाँ पे है वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि 180 डिग्री अपार्ट। तो यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड्स है तो यहाँ से क्या हो जाएगी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ से आपका हो जाएगा हेक्सागन और साथ में वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये रहा हेक्सागन और वर्टिकली डाउनवर्ड्स इस तरीके से है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब पार्ट नंबर 3 पे हेक्सागन आपको ऑलरेडी दे रखा था। हम लोग को यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे पेंटागन होगा, जबकि पेंटागन नहीं है, यहाँ पे है हेक्सागन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेप्टागन। तो सेप्टागन का मतलब ऑप्शन नंबर ये सही है, फिगर यहाँ पे ए। तो ए ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें ऑप्शन अलग दे रखे हैं और साथ में आंसर फिगर अलग दे रखे हैं। तो अपने आंसर फिगर के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये चारों आपके क्वेश्चन फिगर हैं, तो आंसर फिगर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जो चारों हैं किस लॉजिक के तहत अरेंज किए गए हैं ये आप पता लगाइए। तो यहाँ से यहाँ आप कैसे जा सकते हैं? देखिए, यहाँ से अगर आप 180 डिग्री जाएंगे तो ये जो शेडेड रीजन है ये इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा? अनशेडेड रीजन। लेकिन अनशेडेड रीजन से अगर आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तब आपको एज इट इज़ फिगर मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर है दो पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे इसको शेड किया गया है, और यहाँ से अगर आप 180 डिग्री जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। शेडेड रीजन आपका इस तरफ पहुंच जाएगा और अनशेडेड रीजन इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र आप कैसे तय करेंगे? आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पर चलेंगे। 90 डिग्री पर चलते तो आप ऐसे पहुंच जाते, लेकिन आपको वैसे नहीं जाना, 45 डिग्री पर ही जाना है। यहाँ से यहाँ भी वही रिलेशन है और यहाँ से यहाँ भी अगर आप देखें तो वही रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? 180 डिग्री पर आपको रोटेट करना है, और उसके बाद 180 डिग्री रोटेट करने के बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज, बस आपको ये याद रखना है। तो लास्ट क्वेश्चन फिगर की तरफ अगर आप चलें तो इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे अनशेडेड है। अगर आप 180 डिग्री जाएंगे तब आपको रिवर्ट में हो जाएगा।
शेडेड रीजन ऊपर की तरफ चला जाएगा और अनशेडेड रीजन नीचे आ जाएगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलने का मतलब है इस तरीके से आपको मिल जाएगा, जैसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आप सॉरी फिगर नंबर सी में दिख रहा है जिस तरीके से, तो फिगर नंबर सी किस ऑप्शन में दिखाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाया जा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके प्रॉब्लम सेट इस तरीके से दे रखे हैं, आपको इसमें बताना है कि आंसर फिगर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो स्क्वायर है, फिर उसको जूम कर दिया है, फिर दूसरे वाले को फर्दर जूम करके इस तरीके से बना दिया गया है। और यही काम इस वाले के लिए भी किया है, दूसरी रो के लिए भी किया है, और तीसरी रो के लिए भी आपको यही काम करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम फिगर कॉपी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा होके। तो ऐसा हमको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, मतलब फिगर नंबर ए में। अब ये बताइए फिगर नंबर ए कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको 3 रोज और 3 कॉलम इस तरीके से दे रखी हैं और आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि रोज में या फिर कॉलम में किस तरीके से अरेंज किया है। तो मान लीजिए R1, R2, R3 आपके 3 रोज हैं। हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि R1 में कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉकवाइज में 45, सेम काम यहाँ पर भी किया गया है अगर आप ध्यान से देखें तो। तो यहाँ से आपको 45 डिग्री ऐसे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो भी एरो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके का एरो कहाँ पे दिया हुआ है? तो फिगर नंबर डी में इस तरीके का एरो दे रखा है। अब आप ये बताइए कि फिगर नंबर डी कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में एक पजल दी गई है जो कि वीन डायग्राम पे आधारित है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ने के बाद क्या क्या लॉजिक बनेगा और किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ये तो बाद की बात होगी। एक क्लास है जिसमें 200 बच्चे हैं, उनसे कहा गया कि अपना फेवरेट नाश्ता आप लोग बताएं। तो 12 बच्चों ने ये कहा कि उनको दोनों चीज़ पसंद है, कौन कौन सी? कुकीज़ प्लस आइसक्रीम, लेकिन उनको कपकेक नहीं पसंद है। जो 6 बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि उनको आइसक्रीम और कपकेक तो पसंद है, लेकिन कुकीज़ उनको पसंद नहीं है। जहाँ तक 8 बच्चों का सवाल है, तो उनको कपकेक और कुकीज़ तो पसंद है, लेकिन आइसक्रीम वो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं, 200 टोटल हैं, तो उनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। कुछ भी मतलब ना तो उनको आइसक्रीम पसंद है, ना तो इनको कपकेक पसंद है, और ना ही उनको कुकीज़ यहाँ पे पसंद है। उनको फिर पसंद क्या है? पिज्ज़ा, बर्गर और सैंडविच। ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आपको आगे पता चल जाएगा। और सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से आपको फिगर भी यहाँ पे दे रखा है। और दूसरी बात ये है कि इनका अगर आप सम करेंगे तो 165 आएगा, जबकि सवाल में हमसे कहा गया कि 200 बच्चे हैं यहाँ पे। तो ये 35 कहाँ गए? देखिए 35 यहाँ गए कि जो आइसक्रीम के नीचे 50 लिखा हुआ है ना, ये केवल और केवल आइसक्रीम जो लाइक करते हैं उन बच्चों की बात की गई है। सेम काम कुकी और कपकेक्स के लिए भी किया हुआ है। यानी कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उतने बच्चों की कहानी है जो कि सिर्फ एक चीज़ को पसंद करते हैं, मतलब खाने पीने की सिर्फ एक वस्तु को। क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जैक्टली 2 चीज़ें कितने बच्चों को पसंद है ये आपको बताना है। तो चलिए पैराग्राफ में से जो भी अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको छांट लेते हैं। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की अगर आप बात करें तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी सी थी, कुकी प्लस आइसक्रीम और कपकेक नहीं। मतलब ऐसे बच्चे जिनको कुकी प्लस आइसक्रीम तो पसंद है लेकिन कपकेक पसंद नहीं है, वो कितने हैं? 12। इसी तरीके से जिन बच्चों को आइसक्रीम और कपकेक पसंद है लेकिन कुकी पसंद नहीं है वो 6 दिए हैं। और साथ ही साथ जिनको कपकेक और कुकी तो दोनों पसंद है लेकिन आइसक्रीम पसंद नहीं है, ऐसे बच्चे अपने पास 8 हैं। तो आप लिख लीजिए ये जो आइसक्रीम वाला जो अपना सर्कल है वो क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा है। कुकी का भी कुछ पार्ट आ रहा है, कपकेक का भी, और तीनों मिलके ये कॉमन पार्ट भी यहाँ पे आ रहा है। अब कॉमन पार्ट से हम लोग को इसलिए भी मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की बात की गई है, तीसरी को इसमें इग्नोर कर दिया है। आप तीनों केसेस को ध्यान से देख सकते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, तीसरा जो हमारा कपकेक है इसको कर दिया गया है रिजेक्ट। अब आप ये बताइए फिगर में से देख के कि कुकी और आइसक्रीम का कॉमन पार्ट कौन सा है। तो ये कुकी है और ये पूरा का पूरा आइसक्रीम है, तो ये बताइए इनका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? ये पूरा पोर्शन इनका कॉमन पार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कपकेक से कोई भी मतलब नहीं है।
तो आप 12 कहाँ पे लिखेंगे? तो 12 सिर्फ इस रीजन में लिखेंगे, इस कॉमन वाले पार्ट को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप ये बताइए कि आइसक्रीम और ये कपकेक को कवर करने वाला पोर्शन कौन सा है इस पर्टिकुलर फिगर में? तो ये रहा आइसक्रीम, ये ग्रीन कलर से आइसक्रीम बना हुआ है, और कपकेक वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से है। तो आइसक्रीम और कपकेक को कौन सा पोर्शन कवर करता है? ये पूरा पोर्शन इसको कवर करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, तीसरी को रिजेक्ट करना है। तो ये बताइए 6 कहाँ पे लिखेंगे आप? तो 6 लिखेंगे सिर्फ इतने रीजन में, इस कॉमन वाले पार्ट को आप ये कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, या फिर मतलब इसको एक्सक्लूड कर देंगे। और जहाँ तक तीसरे केस का सवाल है, तो यहाँ पे कप केक और ये कुकीज़, तो ये कुकीज़ हैं जो हरे कलर से हमने दिखाया हुआ है, और ये रहा कप केक, तो कप केक ये पीला वाला। तो ये बताइए कुकी और कप केक के बीच का कॉमन पार्ट कौन सा है? तो ये पूरा इसका कॉमन पार्ट है, लेकिन जैसा कि एक वैल्यू को हमने कैंसिल कर रखा है, तो 8 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रीजन में, इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हमारा नया फिगर बना, उसमें इस वाले पोर्शन की कोई जगह नहीं है। ऐसे बहुत कम वेन डायग्राम आपको देखने को मिलते हैं जिसमें ऐसा पार्ट जो तीनों में कॉमन है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये जो इग्नोर पार्ट है आपका, इसकी वैल्यू आपसे अवश्य पूछी होगी वन ऑफ द क्वेश्चंस में। मेरे ख्याल से इतना फिगर कंप्लीट करना हमारे लिए सफिशियंट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन प्रिफर्ड एग्जैक्टली 2 आइटम्स? तो एग्जैक्टली 2 आइटम का क्या मतलब है? जो दो वेन डायग्राम में कॉमन हो, तीसरे की बात हमें नहीं करनी है, या फिर आप कह सकते हैं कि तीनों का कॉमन पोर्शन हमें नहीं उठाना है। तो ये बताइए इन दो फिगर में से कॉमन पार्ट कौन सा है? तो ये वाला हरे कलर वाला, हरे कलर की वैल्यू कितनी है? तो 12। तो ये 12 प्लस और भी कॉमन पार्ट्स आपके पास दिए हुए हैं। ये जो पीला वाला कॉमन पार्ट है आइसक्रीम और कपकेक के बीच का, इसकी वैल्यू कितनी है? तो 6। इसी तरीके से कुकीज़ और कपकेक के बीच में जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इसको छोड़ करके इसकी वैल्यू हमने कितने निकाली थी? तो 8। तो 12 6 18, 18 8 26। तो 26 कौन से ऑप्शन में गिवन है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 26 बच्चे ऐसे हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को पसंद करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु प्रिफर्ड 3 आइटम्स? तो जहाँ तक आपको क्वेश्चन में दिख रहा था, मतलब अपने वीन डायग्राम में दिख रहा था, तीनों के कॉमन पोर्शन को हम लोगों ने इग्नोर कर रखा था, और मैंने वहां पे आपको बताया था कि ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही। तो चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनको ऐड करने पर क्या क्या वैल्यू आपको मिलेगी ये बताइए। 75, 50 और 40 मिलके बनेंगे 165, और 165 और 26 कितना होता है? 191। आपके पास क्वेश्चन में बता रखा था, यहाँ पे देख लीजिए कि 200 कुल मिला के लड़के हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, तो 200 में से 191 ही तो हमने निकाले हैं, बाकी के 9 कहाँ गए? तो बाकी के 9 देखिए यहाँ गए, कि लिखा हुआ है कि 3 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी खाने पीने की चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो 191, तो 3 यहाँ से आ गए जो किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, तो टोटल हो गए 194। जबकि स्टूडेंट हमारे पास 200 थे, आप ये बात जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन है जो हम लोगों ने इग्नोर कर रखा था, वहाँ पे जो नंबर आएगा वो 6 आएगा डेफिनेटली। और ये इसलिए भी आएगा क्योंकि टोटल 200 हैं और इन सबको मिला के बन रहा है 194, तो ऑब्वियस सी बात है जो 6 आएगा वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे वीन डायग्राम में और हमारे पास स्पेस है ही नहीं। तो इसको मैं यहाँ से वो इन सर्किल कर रहा हूँ या फिर इसमें स्क्वायर बना रहा हूँ। ये हम लोग को स्क्वायर ये सिग्निफाई करेगा कि ये जो यहाँ पे जो जितने बच्चे हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को लाइक ज़रूर करते हैं, और इसके बाहर मैं 3 लिख देता हूँ। 3 लिखने का मतलब ये है क्योंकि सवाल में हमको दे रखा था कि 3 जो हैं वो किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, मतलब किसी भी खाने पीने की चीज़ को। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप ये बताइए हमने क्या वैल्यू निकाली थी उन बच्चों की जो 3 के 3 आइटम को पसंद करते हैं, वो वैल्यू 6 थी। आप ऊपर देख सकते हैं रिवाइंड करके, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 200 थे। तो अगर मान लीजिए नीचे 100 होता तो ऊपर 3 होता, यहाँ पे 100, ये 3, तो 3% ऐसे बच्चे हैं जो तीनों ऑब्जेक्ट को पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 200 में से 6, तो 100 में से ऑब्वियस सी बात है 3 आएगा, आप इसको वैसे भी सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी चिल्ड्रन प्रिफर्ड ऑल 3 आइटम्स दिस दिस एंड दिस? जिन भी तीनों आइटम की बात हो रही थी,
ऐसे स्टूडेंट कितने थे, तो ऐसे स्टूडेंट 6 थे, हम लोग इस बात को निकाल चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर फिर से सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 10% ऑफ द चिल्ड्रेन हु प्रिफर्ड कुकीज चेंज देयर माइंड एंड सेड दे प्रिफर्ड जलेबीज, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द नंबर बिटवीन द चिल्ड्रेन हु प्रिफर्ड एग्जैक्टली 1 स्नैक एंड दो चिल्ड्रेन हु प्रिफर्ड एग्जैक्टली 3 स्नैक्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने भी लड़के कुकी को पसंद करते थे, उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया और कहा कि उन्हें अब कुकी नहीं खानी है, अब वो खाएंगे जलेबी। तो ये बताइए कि क्या इससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइंड किसका चेंज हुआ ये बताइए। तो माइंड उनका चेंज हुआ है जो कुकी को पसंद करते थे, उनका चेंज नहीं हुआ है जो किसी को भी पसंद नहीं करते थे। अगर मान लीजिए इनमें से किसी का माइंड चेंज हो जाता, तो टोटल हमारे पास नंबर बढ़ के कुछ दूसरा हो जाता। मतलब टोटल वो हो गया जो लोग किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पसंद करते हैं, वो टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये लाइन हमारे लिए कोई मतलब की नहीं रह गई। आप सीधे ये बताइए कि पूछा क्या है। आपको बताना है डिफरेंस कि एग्जैक्टली 1 स्नैक पसंद करने वाले और टोटल 3 स्नैक्स को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स के बीच में अंतर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले मेन फिगर में, तो ये जो 50, 75 और 40 लिखा हुआ था, ये बताइए किसके लिए लिखा हुआ था? उनके लिए जो एग्जैक्टली 1 स्नैक को लाइक करते हैं। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 165। उसके बाद यहाँ पे जो हमने निकाला था 6, इसका मतलब आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि तीनों स्नैक्स को पसंद करने वाले स्टूडेंट ये हैं। तो इनमें से लेस कर दिया तो 159 आ गया। 159 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का हिसाब किताब ये हुआ कि ये जो लाइन लिखी हुई थी कि बच्चे माइंड अपना चेंज करके कुछ और पसंद करने लगते हैं, तो क्या इससे टोटल पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीलिमा स्टार्ट्स फ्रॉम होम एंड वॉक्स नाउ नॉर्थवर्ड टू विजिट अ टेम्पल, देन शी टर्न्स लेफ्ट, वॉक्स इक्वल डिस्टेंस स्ट्रेट एंड मेक सम परचेसेस फ्रॉम द मार्केट, शी टर्न्स लेफ्ट अगेन, वॉक द सेम डिस्टेंस फ्रॉम हर होम टू द टेम्पल टू रीच अ लाइब्रेरी, देन शी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक अंटिल शी रीचेस द होम, वॉट इज द शेप ऑफ हर पाथ लाइकली टू फॉर्म। हम लोग को इसमें बताना है कि कितना डिस्टेंस चला ये मैटर नहीं करता, लेकिन पाथ जब कंप्लीट होता है तो कौन सा शेप बनता है। तो जैसा आपसे कहा जा रहा है वैसा आप कर लीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट से नीलिमा अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं, ये जाती हैं सीधे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस जाती है हमें नहीं पता, लेकिन जब वो लेफ्ट मारती हैं यहाँ से और जाएंगी वो इस वाली डायरेक्शन में, तो ठीक ठीक उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी जितना इन्होंने यहाँ पे किया था। तो ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से इक्वल हो गए। उसके बाद ये जाती हैं लेफ्ट में फिर से और जाती हैं सेम डिस्टेंस जितना वो शुरू से ट्रैवल कर रही थी। उससे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो लोकेशंस हैं वो क्या हैं। ये है होम, ये है मार्केट, क्योंकि हमें दे रखा था कि यहाँ पे वो थोड़ी देर रुक के कुछ शॉपिंग वगैरह करती हैं, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हम लोग को ये डिसाइड करना है कि यहाँ से ये टर्न कहाँ लेती हैं। तो लिखा हुआ है ये टर्न लेफ्ट लेती हैं और ये सीधे चलती हैं उतना डिस्टेंस जितना उन्होंने शुरू में ट्रैवल किया था और पहुँच जाती हैं वो एक टेम्पल में। तो ये रहा टेम्पल और ये भी डिस्टेंस आपस में बराबर है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि वो फिर से लेफ्ट आती हैं, तो यहाँ से आपका लेफ्ट, एक बात बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका लेफ्ट इस तरीके से हो जाएगा और वो अपने घर पहुँच जाएंगी। तो ये भी डिस्टेंस आपस में बराबर हो गया। तो ये पाथ हमको स्क्वायर शेप का मिल रहा है, लेकिन स्क्वायर किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है। तो आप जहाँ तक रेक्टेंगल इसको टिक करेंगे, मेरे हिसाब से रेक्टेंगल इसमें जाना चाहिए। बाकी आप बताइए आप लोगों ने क्या लगाया था। चलिए अब इसमें अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिटिंग अरेंजमेंट का है, 6 फ्रेंड्स LMNOPQ आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। जब भी सर्कल में बैठने की बात आपसे करें, आप सबसे पहले ये देखिए कहा क्या गया है आपसे कि सेंटर पे फेस कर रहे हैं या फिर उससे अवे फेस करने की बात हो रही है। ऑल नेबर्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम देयर नेबर, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ईच पर्सन इज सीटेड एग्जैक्टली अपोजिट वन फ्रेंड, मतलब ऐसी अरेंजमेंट आपकी नहीं बनेगी जिसमें ये सबके सब सामने सामने ना बैठे हों। जितने भी ये लोग हैं 6, सभी के सभी एक दूसरे के सामने होने चाहिए। उसके बाद आपको कंडीशंस दे रखी हैं। तो सबसे पहले आप इसका रॉ डायग्राम बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए सभी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जो एक दूसरे के सामने ना बैठा हो। इसके बाद जो भी कंडीशंस में आपसे कहा जा रहा है आप उसको फॉलो कर लीजिए। एन जो है वो ओ और एम के बगल में नहीं बैठा है।
तो मान लीजिए ये एन की पोजीशन है, तो एन के बगल में हमारे सवाल के हिसाब से कौन कौन नहीं आ सकते, तो ओ भी नहीं आ सकता ना ही एम आ सकता है, तो यहाँ पे ओ नहीं आएगा ना ही एम आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों नहीं आएंगे। इसके बाद आपसे कहा जा रखा है एन एल जो है वो ओ के अपोजिट बैठा है, लेकिन फिलहाल हमें ओ की पोजीशन पता नहीं है, इस वजह से इस वाले स्टेटमेंट को हम कंसिडर नहीं कर सकते। आगे आपसे कहा जा रहा है इफ पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एन, ये लेफ्ट ये एन है तो इसके लेफ्ट में कौन आएगा, पी आएगा। आपसे इसमें पूछा है एन के अपोजिट मतलब हु इज एन सिटिंग बिटवीन, मतलब एन जो है वो किसके किसके बीच में बैठा है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो कोई भी हिंट हमें नहीं दे रखा है, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट को अगर आप फिर से कंसिडर करें कि एल जो है वो ओ के अपोजिट बैठा है, तो आप अपने डायग्राम को देखिए और ये बताइए ये पॉसिबिलिटी कहाँ पे बन सकती है। अगर मान लीजिए आप ओ को यहाँ बैठाते हैं तो अलाउ नहीं है, यहाँ भी वो नहीं बैठ सकता, लेकिन यहाँ पे एल ज़रूर बैठ सकता है और ओ को यहाँ पे बैठना अलाउड है। तो देखिए एल और ओ को हमने सामने सामने बैठा दिया, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। इसके बाद आप रुक जाइए, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आइए। पूछा क्या है एन किसके किसके बीच में बैठा है, तो ये है एन, एक तरफ है पी तो दूसरा दूसरी तरफ है एल, तो एल और पी के भी ये बीच में बैठा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अ काउ ईटिंग ग्रास ऑन अ फील्ड में मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट, देन इट टर्न्स टू द राइट एंड कीप्स ग्रेजिंग वाइल मूविंग, व्हेन इट स्टॉप्स मूविंग इन विच डायरेक्शन रिलेटिव टू इट्स फर्स्ट पोजिशन विल द काउ बी। एक गाय है वो किसी पॉइंट पे खड़ी खड़ी है मान लीजिए इस पॉइंट से, और घास को खाते खाते वो पहुंच जाती है ईस्ट में, और ईस्ट से अपने वो राइट में जाती है, ये ईस्ट से इसका राइट हो जाएगा और ये जाती रहती है। आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए वो इस पॉइंट पर रुक गई तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक कौन सी डायरेक्शन है। तो एक बात बताइए ये वाली डायरेक्शन कौन कौन सी डायरेक्शन के बीच में है, ईस्ट और साउथ के, तो साउथ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, फिर से ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। इसके बाद ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यही बताया जा रहा है कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए और सभी एक दूसरे के सामने बैठने चाहिए, फिर आपके पास कंडीशन इस तरीके से दे रखी हैं। तो बेसिक डायग्राम आपका इस तरीके से हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं और फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, मतलब टेबल का मान लीजिए सेंटर ये है और इस तरफ सब लोग देख रहे हैं, मतलब इस तरीके से बैठे हैं कि कुर्सी का जो फेस है वो इस तरफ है। पहली कंडीशन है डी इज नाइदर नेक्स्ट टू नॉर अपोजिट टू सी, तो मान लीजिए डी यहाँ पे है और इस बात का मतलब ये है कि जो सी है ना तो इसके सामने हो सकता है ना तो इसके अगल बगल हो सकता है, तो सी के लिए जो पोजीशन खाली बची है वो या तो ये होगी या तो ये होगी। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं और बी जो है वो सी के अपोजिट बैठा हुआ है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो बी है वो सी के अपोजिट बैठा है, वो इसलिए भी है क्योंकि सी की पोजीशन यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती और यहाँ भी नहीं हो सकती। तो एक बात बताइए इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे तो करेंगे कैसे। देखिए यहाँ सी तो अलाउ नहीं, सी तो अलाउ नहीं है आपको पता है, लेकिन बी तो अलाउ है ना, तो बी को यहाँ पे आप अरेंज कर दीजिए और इसके सामने आ जाएगा सी, तो सी की पोजीशन ये अलाउ थी जैसा कि यहाँ पे टिक का निशान बना हुआ है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो यहाँ पे ए हो सकता है एफ भी हो सकता है, कुछ इसमें फिक्स नहीं है, इसी तरीके से ए और एफ में से कोई यहाँ भी बैठ सकता है। तो ये हमारा इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया, और ये जो स्थान खाली हमारे पास बचा हुआ है वहाँ कौन बैठा है जो बचा हुआ है, तो ई हमारे पास बच रहा है जिसको हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं इस वाली पोजीशन में। माफ़ कीजिए ये तो कोई पोजीशन आपकी है ही नहीं, तो जो पोजीशन खाली है वो ये है जहाँ पे सी और क्रॉस बना हुआ है, तो वहाँ पे हम अरेंज कर देते हैं जो हमारा बचा हुआ है यानी कि डी, तो डी को हमने इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर दिया, ये डी सॉरी ई होगा क्योंकि डी तो पहले से ही अरेंज है। और आपसे पूछा भी यही है कि डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने ई बैठा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सवाल है ये। स्टेटमेंट आपका दे रखा है ऑल एक्ट्रेसेस आर ब्यूटीफुल, यानी कि जितनी भी अभिनेत्रियाँ हैं या फिर एक्ट्रेस वगैरह हैं हीरोइन वो सभी की सभी सुंदर होती हैं, तो यहाँ से हम मतलब क्या निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ये एक्ट्रेस है तो ये ऑब्वियस सी बात है सुंदर होनी चाहिए, तो इस बात का मतलब ये है। तो जितने भी हमारे कंक्लूजन है ये वाली बात कहाँ पे बताई जा रही है, इफ ए इज एन एक्ट्रेस
देन ए मस्ट बी अ ब्यूटीफुल वुमेन, इस तरीके से होगा। तो ये वाला कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्यूटीफुल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्ट्रेस हो, लेकिन हाँ एक्ट्रेस होने का मतलब ये है कि ब्यूटीफुल होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सवाल है ये। ऑल द मूवीज दैट चार्ली चैपलिन एक्टेड इन वर साइलेंट मूवीज, सम ऑफ हिज मूवीज वर मेड बाई MGM। जितनी भी मूवीज ने चार्ली चैपलिन में काम किया, मतलब चार्ली चैपलिन जो थे फेमस कलाकार, उन्होंने जितनी भी मूवीज में काम किया वो सभी की सभी साइलेंट मूवीज थी, कोई भी ऑडियो जैसी चीज उसमें नहीं थी। पहला स्टेटमेंट ये है। उसी का दूसरा पार्ट ये भी है कि कुछ मूवीज उनकी जो हैं MGM द्वारा बनाई गई थी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं MGM वॉज द डायरेक्टर ऑफ दोज मूवीज। देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड यूज हुआ है सम ऑफ, सम ऑफ का मतलब ये है कि कुछ मूवीज तो MGM ने बनाई हैं लेकिन कुछ मूवीज MGM ने नहीं भी बनाई हैं। तो ऐसा कंक्लूजन कौन सा है? पहला है MGM मेक्स ओनली मूवीज। MGM के बारे में हम यहाँ से बैठे बैठे ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते वो क्या करता है क्या नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है चार्ली चैपलिन एक्टेड इन सम साइलेंट मूवीज मेड बाय MGM। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ मूवीज MGM द्वारा बनाई जा सकती हैं और कुछ नहीं भी बनाई जा सकती हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज ऑप्शन नंबर बी। बाकियों को बता देता हूँ, लिखा हुआ है MGM मेड मूवीज विद डायलॉग विद चार्ली चैपलिन। देखिए लिखा हुआ है कि सारी के सारी मूवीज मौन मूवीज थी, कोई भी ऑडियो जैसी चीज नहीं थी, तो डायलॉग उसमें कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा। इसके बाद है ऑल साइलेंट मूवीज दैट चार्ली चैपलिन एक्टेड इन वर मेड बाय MGM। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सम ऑफ लिखा हुआ है, सम ऑफ का मतलब यही होता है कि कुछ मूवीज हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती हैं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। मोस्ट केक्स इन अ पर्टिकुलर बेकरी आर एक्सपेंसिव। कोई बेकरी है वो बनाती है केक और कहा जा रहा है कि ज़्यादातर केक वहाँ पे महंगे हैं। तो देखिए कीवर्ड आपका क्या बना, ज़्यादातर। ज़्यादातर का मतलब ये है कि मान लीजिए 10 केक एक दिन में बनते हैं तो उसमें से 9 केक तो महंगे हैं लेकिन एक केक ऐसा भी है जो सस्ता है। तो इसका मतलब ये कतई ही नहीं हुआ कि वो सारे के सारे केक जो फैक्ट्री वो महंगे बनाती है। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये है, देयर आर नो चीप केक्स इन दैट बेकरी। तो ये नहीं होगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता रखा है वहाँ पे ये नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑल केक्स इन दैट बेकरी आर एक्सपेंसिव। तो मोस्ट का मतलब ऑल नहीं होता। तीसरा है, देयर आर चीप केक्स ऑल्सो इन दैट बेकरी। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए 9 केक वहाँ पे महंगे हैं तो एक सस्ता भी तो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, मतलब कंक्लूजन नंबर 3, ऑप्शन नंबर भी इत्तेफाक से 3, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है। मोस्ट मेट्रो होम्स आर इन बिल्डिंग्स विद मोर देन 3 फ्लोर्स। मोस्ट बिल्डिंग्स इन मेट्रोज विद मोर देन 2 फ्लोर्स हैव लिफ्ट। देखिए एक जगह है मेट्रो, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर है कुछ घर, और आपसे कहा जा रखा है कि मेट्रो के अंदर जितने भी होम हैं और जो बिल्डिंग में है वहाँ पे ज़्यादातर घर कहाँ पे होंगे, उस बिल्डिंग में। ऐसी बिल्डिंग में ज़्यादातर घर होंगे जहाँ पे 3 से ज़्यादा फ्लोर हैं। तो मान लीजिए बिल्डिंग है, पहली फ्लोर ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। तो आपसे कहा जा रखा है कि या तो यहाँ पे या तो इससे ऊपर जितने भी फ्लोर हैं ज़्यादातर घर वहीं पाए जाएंगे। और उसी स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है, मोस्ट बिल्डिंग्स इन मेट्रोज। तो ये मान लीजिए मेट्रो है, यहाँ पे बिल्डिंग है B1 B2 B3 इस तरीके से। तो ज़्यादातर बिल्डिंग वहाँ पे ऐसी होंगी जिसमें 2 से ज़्यादा फ्लोर होंगे और साथ ही साथ उसमें लिफ्ट भी होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 बिल्डिंग है, ये मेट्रो है स्क्वायर वाला, उसमें B1 B2 B3 इस तरीके से बिल्डिंग है। तो मान लीजिए B1 में लिफ्ट नहीं है लेकिन B2 और B3 में लिफ्ट है और साथ ही साथ ये दोनों 2 से ज़्यादा फ्लोर की बिल्डिंग हैं। तो पहला कंक्लूजन ये है, मोस्ट मेट्रो बिल्डिंग्स विद हैव लिफ्ट्स हैव होम इन देम। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि लिफ्ट कितने बिल्डिंग में हैं जो 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन घर ज़्यादातर कहाँ पे हैं, घर ज़्यादातर वहाँ पे हैं ऐसे बिल्डिंग में जिनकी 3 से ज़्यादा फ्लोर हैं। तो लिफ्ट हैं 2 से ज़्यादा फ्लोर में और घर कितने फ्लोर में हैं, 3 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे तो आपसे कहा जा रखा है कि जो मोस्ट मेट्रो बिल्डिंग्स हैं जिनके पास लिफ्ट है वहाँ पे घर हैं। तो इसका कंट्रेरी पार्ट ये नहीं होगा। दूसरा कंक्लूजन है, मैनी मेट्रो होम्स इन बिल्डिंग्स
विद मोर देन 3 फ्लोर्स हैव लिफ्ट। तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। तीसरा चौथा ऑप्शन मैं सीधे काट सकता हूँ क्योंकि मोस्ट का मतलब ऑल नहीं होता, मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर मतलब मान लीजिए ये पूरा है तो ये रहा ज़्यादातर, तो उसमें से ये पार्ट भी तो है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे है ओनली, ओनली भी कट जाएगा क्योंकि आपसे कहा जा रखा है कि 2 से ज़्यादा फ्लोर जिस बिल्डिंग में है वहाँ पे लिफ्ट है, तो यहाँ पे ओनली आ गया। और ओनली और मोस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2। इसको हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये ऑप्शन सही जाना है, इसकी वजह एक वजह और भी है, मोस्ट और मैनी का मतलब एक ही होता है, ज़्यादातर। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही है, बाकी सारे गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का है ये। हनी को कहते हैं चॉकलेट, चॉकलेट को कहते हैं शुगर, शुगर को कहते हैं जॉय, और जॉय को कहते हैं फ्रीडम। तो ये बताइए कि कोकोआ बीन से क्या बनता है। तो रियल लाइफ में ये बताइए कोकोआ बीन से क्या बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है उससे चॉकलेट बनती है, लेकिन चॉकलेट को कहते क्या हैं। तो चॉकलेट को शुगर कहते हैं, तो क्या ऑप्शन सही जाएगा, शुगर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाइड का संबंध जिस तरीके से नैरो से है, तो शार्प का संबंध किससे है। वाइड और नैरो एक दूसरे के एंटोनिम है। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, नैरो का मतलब होता है संकरा, शार्प का मतलब होता है तेज। तो तेज का अपोजिट क्या होता है, ब्लंट, मतलब जिसमें धार ना हो बिल्कुल भी, तो धारहीन का मतलब होता है ब्लंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बर्ड का संबंध जिस तरीके से ऑर्निथोलॉजिस्ट से है, तो इंसेक्ट का संबंध किससे होगा। आप जानते हैं इसमें कि ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जिनका कंसर्न होता है बर्ड, तो इंसेक्ट का कंसर्न कौन से स्पेशलिस्ट से होता है, इंटोमोलॉजिस्ट से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है 21, 10 का संबंध डेसिमल से है, तो 2 का संबंध किससे है। देखिए डेसिमल होता है एक नंबर सिस्टम जिसके अंदर मैक्सिमम 10 नंबर हो सकते हैं, तो 2 नंबर मैक्सिमम जिसमें हो सकते हैं 0 1, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, एंड ग्रीन इज कॉल्ड रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विल इंडिकेट स्टॉप एट अ ट्रैफिक सिग्नल। देखिए सबसे पहले ये बताइए आपसे पूछा क्या है, रियल लाइफ में बताइए कि ट्रैफिक सिग्नल में अगर आपको रुकना है तो कौन सा कलर देख के रुकेंगे आप। तो रेड कलर को आप देख के रुक जाएंगे, जबकि यहाँ पे रेड का क्या मतलब है, येलो, तो येलो इसमें सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नंबर 23, जिसका मतलब है कि सिम्फनी का संबंध जिस तरीके से कंपोजर से है उसी तरीके से बुक का संबंध किसके साथ होगा। देखिए कंपोजर जो होते हैं वो सिम्फनी या फिर स्वर को बनाते हैं, टोन को बनाते हैं, कंपोजर यानी कि संगीतकार होते हैं। तो आप इसमें ये बताइए कि जो संगीतकार हैं क्या इनके बिना टोन बज पाएगी, टोन का विकास हो पाएगा, क्या टोन बन पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से अगर आपको बुक चाहिए, बुक अपने सामने चाहिए, तो कम से कम कोई इसको लिखने वाला भी तो होना चाहिए। पब्लिशर का अपना काम है, प्रिंटर का अपना काम है, स्पॉन्सर का अपना काम है, लेकिन राइटर जब तक अपना काम नहीं करेगा बुक आपके सामने नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लिच का संबंध जिस तरीके से फॉल्ट के साथ है, तो असर का संबंध किसके साथ होगा। देखिए जब भी कोई गड़बड़ होती है तो किसी ना किसी का दोष होता है उसके पीछे, तो प्रवेशक का काम कब पड़ता है हमको, प्रवेशक या फिर असर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप कभी सिनेमा में या फिर मॉल में फिल्म वगैरह देखने गए होंगे, तो आप बीच में देखते हैं इंटरवल या उससे पहले के टाइम पे कि एक बंदा आता है टॉर्च को लेकर और सभी की टिकट्स चेक करता है और साथ ही साथ सबको बैठने में हेल्प करता है वो। तो एक बात बताइए ऐसे बंदे की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है भीड़ भाड़ में पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। मेरे हिसाब से इसमें ए जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करेंगे इसका सीधे सिनोनिम टिक कर देंगे, मतलब प्रवेशक का मतलब क्या होता है, तो मार्गदर्शक होता है। तो यहाँ पे आप ये बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा, मेरे हिसाब से तो इसमें ए है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ कैच इज कॉल्ड ड्रॉप, ड्रॉप इज कॉल्ड थ्रो, थ्रो इज कॉल्ड टॉस, विच वर्ड विल बी यूज टू आस्क समवन टू पास द बॉल। तो रियल लाइफ में ये बताइए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, करना क्या है आपको। आप मान लीजिए किसी फील्ड में खेल रहे हैं, आप एक विकेट कीपर हैं और आपका फील्डर आपको बॉल दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि बॉल हमें दे दो। आप उससे कहेंगे फेंको, तो फेंको का मतलब होता है थ्रो, और थ्रो का मतलब यहाँ पे क्या है, थ्रो का मतलब है टॉस, थ्रो इज कॉल्ड टॉस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।
अगला क्वेश्चन है 26। जिस तरीके से फ्लॉटिस्ट का संबंध फ्लूट के साथ है, सेलिस्ट का संबंध किसके साथ होगा? तो जितने भी फ्लॉटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बांसुरी को बजाते हैं। सेलिस्ट किसको बोला जाता है, जो सेलो उसको बजाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, परफ्यूम का संबंध जिस तरीके से फ्रेग्रेंस से है, यहाँ पे फ्रेग्रेंस होगा। हनी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए परफ्यूम करता क्या है, परफ्यूम जैसा भी होता है जिस भी कंपनी का होता है उसका बेसिक नेचर क्या है, सुगंध फैलाना। हनी का बेसिक नेचर क्या होता है, स्वीटनेस फैलाना, मिठास फैलाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 28, कोडिंग एंड डिकोडिंग का है, रिदम का मतलब ये है तो ड्रम का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो रिदम है RHYTHM, इसको अगर इस फॉर्म में लिखा गया है ISBGSN, तो किस लॉजिक के तहत लिखा हुआ है? तो यहाँ से आपको सीधे दिख रहा है कि जो लेटर के करेस्पॉन्डिंग नंबर है उनका सम 27 है। कैसे, आर का मतलब होता है 18, आपको जितने भी लेटर हैं उनके करेस्पॉन्डिंग नंबर याद होना चाहिए। उसके बाद एच का मतलब 8 होता है, वाई मतलब होता है 25, टी मतलब 20, एच मतलब फिर से 8, एम मतलब होता है 13। तो 13 से 14, एस का मतलब होता है 19, जी का मतलब 7, बी का मतलब 2, एस का मतलब फिर से 19, आई का मतलब 9 होता है, 8 लिखा हुआ है 9 होता है इसका। तो 18 9 27, 19 8 27, यहाँ से 25 2 27, तो सब कुछ 27। तो DRUM यानी कि ड्रम, इसका क्या हो जाएगा, 4 18, यू का मतलब 21 13, तो 4 में 27 लाने के लिए हम कितना ऐड करें, तो 23 ऐड करना पड़ेगा। 23 का मतलब होता है W, +23 W। यहाँ से 18 से 27 आप कैसे बना सकते हैं, जब आप I लिखेंगे 9 ऐड करेंगे, 21 से 27 आप कैसे बना सकते हैं, F लिख के, F का मतलब होता है 6, 13 में आप 14 ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा 27, 14 का मतलब होता है N, तो WIFN इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक कोड लैंग्वेज में कैरियर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो एग्जाम को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो कैरियर को इस लैंग्वेज में लिखने का जो भी लॉजिक है उसको आप पता कर लीजिए। CARRER, उससे आपको लिखा जा रहा है XZIVI, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लग रहा है कि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो नंबर हैं उनका सम 27 आना चाहिए, और सेम चीज़ बाकी के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्ज़ाम आप सीधे लिखें, उसके बाद करस्पॉन्डिंग नंबर लिखें, ई का मतलब 5, एक्स का मतलब 24, ए का मतलब 1, एम का मतलब 13। तो 27 लाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 22, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 3, यहाँ पे 26 और यहाँ पे 14। तो 22 का मतलब होता है V, 3 का मतलब होता है C, 26 का मतलब Z और 14 का मतलब N, तो VCZN इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो इन पर्टिकुलर लेटर को कंबाइन करने के बाद आप नहीं बना सकते? ईट आप बना सकते हैं, टीट आप बना सकते हैं, म्यूट बना सकते हैं, लेकिन क्या आप मीट बना सकते हैं? मीट बनाने के लिए आपको दो बार ई चाहिए। क्या आपके इस वाले में दो बार ई है? तो बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला लेटर नहीं बन पाएगा। अगला फिर से सेम टाइप का सवाल है, इनको यूज़ करके आप क्या नहीं बना सकते? RIFT डेफिनेटली बना सकते हैं आप, ये नहीं होगा। FERRY ये भी बन सकता है, नहीं होगा। TIER बन सकता है, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपके पास दो ई हैं यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फाइट का मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा? FIGHT, फाइट से आपको क्या लिखा हुआ है, EHFGS। तो यहाँ से अगर आप देखें तो -1 का लॉजिक चल रहा है पूरे में, -1 का, और इधर से उधर आप अगर देखेंगे तो यहाँ से +1 का चल रहा है, क्योंकि EFHIFGGH और ST। तो यहाँ से आपको एक एक लेस कर लेना है, PIECE, तो P से पहले क्या आता है O, I से पहले आता है H, E से पहले आता है D, C से पहले B और E से पहले फिर से D, तो OHDBD, OHDBD, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 33 है, चाइल्ड का मतलब ये है, तो पेरेंट का मतलब क्या होगा? तो चाइल्ड से, CHILD, चाइल्ड से, ये वाली जो भाषा है इसको जिस तरीके से लिखा गया है उसका पैटर्न आप आइडेंटिफाई करिए, या फिर आप लॉजिक पकड़िए इसका, EJKNF। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो हर एक लेटर के लिए +2 का लॉजिक यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि सी से अगर आप +2 करेंगे तो ई आएगा इस तरीके से, एच से जे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड लिखा हुआ है पेरेंट, PAR,
ENT, यहाँ से भी आप प्लस टू लगातार करते जाइए। तो P का मतलब होता है 16, 1, 18, 5, 14 और T का मतलब 20। तो ये हो जाएगा 22, 16, ये 7, 20, 3 और 18। 18 का मतलब R, 3 का मतलब C, 20 का मतलब T, G, यहाँ पे P और 22 का मतलब V। तो RCT GPV, RCT GPV ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑड वन आउट आपको बताना है। तो 5 से 125 आप कैसे पहुंच सकते हैं उसका क्यूब लेके, 3 से 27 और 2 से 8 कैसे पहुंच सकते हैं रिस्पेक्टिवली इन नंबर्स का क्यूब लेके। तो n से आपका n क्यूब, यहाँ पे 3 ऑप्शन है और एक ऑप्शन जो कि b है वो नहीं है, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, जबकि यहाँ पे उसका आधा दे रखा है 32, जो नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर b यहाँ पे सही है, b। 35 में आपको बताना है कि आई का मतलब क्या है। अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो तब आपको इसमें कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ पे आप कह सकते हैं चीटिंग करके लिख लेना है कि आई का मतलब क्या है। तो PAIR, तो 1 2 3 4, LAIR तो फिर से 3, L के बाद I तो फिर से 3, तो तीनों में I का मतलब 3 है। तो इसका मतलब कुल मिला के भी I का मतलब 3 है, तो ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है नंबर 36, आपको इसमें मिसिंग टर्म बताना है, नंबर सीरीज का ये सवाल है। 1 8 27 64 25 क्यूब की ये सीरीज चल रही है, तो ये 5 क्यूब, इसके बाद आएगा 6 क्यूब, क्योंकि अगला है 7 क्यूब, तो 6 क्यूब का मतलब है 216, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, अगर इन सारे ऑपरेटर्स को हम गिवन तरीके से ये कर दें, ये एक्सचेंज कर दें, तब क्या बनेगा इस पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन में जो साइन है इसको आप फिलहाल साइड में रखिए। 65, 10, 5, 3 और 4, इनके बीच में जो ऑपरेटर हमें इंसर्ट करने हैं उनको डिसाइड कर लीजिए, इसके बाद क्या क्या होंगे वो। तो किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, लिखा हुआ है प्लस साइन का मतलब है डिवाइड बाई, तो ये प्लस का मतलब डिवाइड बाई, प्लस आपको नहीं लेना, डिवाइड बाई को आपको लेना है। इसके बाद है माइनस का मतलब है इंटू, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हो जाएगा इंटू। डिवाइड का मतलब है माइनस, तो जहाँ जहाँ पे डिवाइड है वहाँ वहाँ पे हो जाएगा माइनस, जहाँ पे इंटू है वहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो इंटू की जगह पे आना है प्लस को। तो इन सब की जगह पे इनको आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 65 के बाद माइनस है, माइनस का मतलब क्या है इनटू, इसके बाद 10 के बाद क्या है प्लस, प्लस का मतलब है डिवाइड बाय, 5 के बाद है डिवाइड बाय जिसका मतलब है माइनस करना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 3 के बाद है इनटू, इनटू का मतलब है प्लस, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो 65 × 2 -3 + 4, ये हो जाएगा 130, 130 चार 134, 134 में से 3 गया तो 131, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑड वन आउट आपको बताना है, सिमिलर टाइप का सवाल इसमें पहले भी आ चुका है। 1 से 2, 5 से 24, 7 से 50, 6 से 35, अगर आप एन स्क्वायर माइनस वन या एन स्क्वायर प्लस वन के रेफरेंस में देख रहे हैं तब आप अपना आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 1 से 2 कैसे बनता है, 1 स्क्वायर + 1। 5 से 24 तो यहाँ से 5 स्क्वायर - 1, 7 से 50 तो 7 स्क्वायर + 1, 6 से 35 तो 6 स्क्वायर - 1, तो किसको छांटेंगे आप? आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा लॉजिक इसका ये हो सकता है कि देखिए दो नंबर हैं पेयर में हैं, तो इनमें से एक प्राइम है तो दूसरा कंपोजिट है। 1 और 2 में अगर आप देखें तो 2 आपका प्राइम नंबर है, जबकि 1 को ना तो प्राइम बोलते हैं ना तो कंपोजिट। यहाँ पे 5 एक प्राइम है, 24 कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे जो है 7 एक प्राइम है, 50 कंपोजिट है, जबकि यहाँ पे 6 35, दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में ही दे रखा है इत्तेफाक से। मेरे हिसाब से इसमें ये जाना चाहिए। फिर से आपका एक कोडिंग डिकोडिंग या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर का सवाल है। 45 में से 25 गया तो एक बात बताइए कितना आता है, सभी को मालूम है 20 आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आ रहा है। जबकि 78 में से 45 गया तो 33 आता है, 3 लिखा हुआ है। 61 में से 40 गया तो 21 आता है, जबकि क्या लिखना चाहिए? तो यहाँ पे जो 20 आता है इसका 0 इग्नोर कर दिया, इसका मतलब टेंस डिजिट को एक्सेप्ट कर दिया, यूनिट डिजिट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये काम 33 के लिए भी किया, तो 21 के लिए भी हम यही काम करेंगे, 2 को एक्सेप्ट करेंगे और 1 को कर देंगे रिजेक्ट। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से है। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू या फिर फिगर का यूज करके कितने सवाल हमें हल करने हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नंबर 40 से, विच क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड इन द सेम क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट ईयर्स। आपको 2 अलग अलग साल में बताना है
कि किनको किनको आप मिलाएंगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। क्या आप राइस और ज्वार को मिलाएंगे? तो चेक कर लेते हैं। राइस का मतलब है ये वाला फिगर, ज्वार या फिर ज्वार का मतलब है ये वाला फिगर, मतलब जो कम्प्लीटली डार्केन है। तो इसमें और इसमें अगर आप देखें 2004 में, तो ये वैल्यू करीबन 9 के आसपास है और ये वैल्यू है ये 5 के आसपास है, तो ये 14 हो जाएगा। 2005 में अगर आप देखें तो जहाँ तक राइस का सवाल है, ये 2.5 के आसपास हो जाएगा, 2.5, और ये हो जाएगा अपना, ये जो आपका शेडेड रीजन है इसको ज्वार कहते हैं, तो ये करीबन 9.5 के आसपास है। तो ये हमें दे देता है 12 अप्रॉक्सीमेटली। इसको सही भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सभी ऑप्शन को चेक करना चाहेंगे। क्या वो ज्वार और मेज होगा? तो ज्वार का मतलब है ये चीज़ और मेज का मतलब है बीच वाली चीज़। तो देख लेते हैं इसमें 2004 का जहाँ तक सवाल है, तो ये ज्वार है और ये रहा मेज, सॉरी ज्वार ये है और मेज ये है, तो ये है करीबन 3 ये चीज़, और ये है ये हो जाएगा 4.5 के आसपास, तो ये 7.5 है। इसके बाद 2005 में अगर हम सेम चीज़ की बात करें, आपको इसमें डाउट हो सकता है कि ए पार्ट में राइस और ज्वार में हम लोग ने 2006 और 7 को क्यों कंसिडर नहीं किया। आप रेक्टेंगल की हाइट को देख के सीधे बता सकते हैं कि क्यों कंसिडर हमने नहीं किया है। तो इसके बाद 2005 में हम ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से अगर देखें, तो ये रहा इसमें मक्का और ये रहा इसमें ज्वार। तो आपको दिख रहा है ये दोनों वैल्यूज़ लगभग सेम दिखाई दे रही हैं, ये 9.5 के आसपास है और ये उससे थोड़ा ऊपर है, तो ये करीबन 18 से थोड़ा ऊपर जाएगा, 18+। और जबकि 2006 और 2007 में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखें आप, चावल और मक्का, चावल का मतलब ये है और मक्के का मतलब ये है। तो इन दोनों रेक्टेंगल्स को आपको देखना है 2004 में, इनकी वैल्यूज़ ये दे रखी हैं, जबकि 2005 में इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ आ जाएंगी। 2006 में मामला और छोटा हो जाएगा, जबकि 2007 में कुछ इस तरीके की रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो 2004 का जहाँ तक सवाल है, ये वैल्यू करीबन 9 है, यहाँ से राइस की बात हम लोग कर रहे हैं और ये रहा इसमें मक्का, तो मक्का यहाँ पे है 3, तो 9 3 12, 12 से थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट रीडिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखें 2005 में, तो ये 2 के आसपास है, 2.5 के आसपास, और ये वाली चीज़ है 9.5 के आसपास, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये भी 12 से प्लस माइनस ऊपर नीचे थोड़ा सा है। तो यहाँ पे राइस एंड मेज इसमें मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए, बाकी आप लोग इसमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 41। इसमें आपको बताना है कि जो डिफरेंस है किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ के बीच की, हाईएस्ट और लोवेस्ट प्रोडक्शन का, वो कितना होना चाहिए। तो चलिए इसमें राइस की बात करते हैं। राइस का जो रेक्टेंगल सबसे ऊंची हाइट पे है, वो 2004 में है, ये रीडिंग करीबन 9.5 के आसपास है, 9 के थोड़ा ऊपर है नीचे। और अगर इसकी सबसे कम प्रोडक्शन की हम बात करें, तो सबसे कम प्रोडक्शन राइस का होता है साल 2005 में, आप रेक्टेंगल की हाइट देख के जज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू करीबन 2.5 के आसपास है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 7 का, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेज़ की, राइस की बात हम कर चुके हैं, तो मेज़ का जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, आप देख लीजिए सबसे ऊंचा रेक्टेंगल कौन सा है मेज़ की कैटेगरी में, साल 2007 में आपको देखने को मिल रहा है और 2005 में भी आप कह सकते हैं, दोनों की रीडिंग लगभग इक्वल हैं और कितनी है 9.5 के आसपास है। और सबसे छोटी रीडिंग जो मेज़ की हमको देखने को मिल रही है, वो 2006 में देखने को मिल रही है, ये 1.5 के आसपास है, 2 से भी नीचे है, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 8। और उसके बाद बात करते हैं हम ज्वार की, तो यहाँ पे सबसे ऊंचा रेक्टेंगल ज्वार के केस में हमें मिल रहा है 2005 में, वहाँ पे जो रीडिंग है वो 9.5 के आसपास है। और ज्वार का जो सबसे छोटा रेक्टेंगल आपको मिलेगा, वो यहाँ पे कहीं मिलेगा 2006 में, जिसके हिसाब से 3.5 यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो 6 के आसपास आएगा। तो एक से हमें डिफरेंस मिला 7 से ऊपर, एक में 6 से ऊपर नीचे और दूसरे में 8, तो यहाँ से ये 6 7 8 का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ टन्स, 7 का मतलब 700 टन, 8 का मतलब 800 टन और 6 का मतलब 600 टन। तो यहाँ पे तो डिफरेंस हमको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 800 टन मेरे हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि जो भी वैल्यूज आपकी सिंगल लिखी हुई है 8, उसको इंटू करना है 110 टन से,
110 से इंटू करेंगे जो भी आपकी वैल्यू आएगी, सवाल के हिसाब से लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ टन्स। 42वें में आपको बताना है कि 2004 और 2007 के बीच में राइस की प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ या फिर डिक्रीमेंट हुआ। तो आपको किसकी बात करनी है, राइस की, 2004 से 2007 के बीच में। तो ये रहा राइस, इस तरीके का जो फिगर है वो राइस है, ये रहा 2004 और ये रहा 2007। तो 2004 का जहाँ तक सवाल है तो ये वैल्यू करीबन 9 के आसपास है, 9.5 के आसपास आप समझ सकते हैं बीच में है। और 2007 का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पे 4.5 के आसपास ये वैल्यू चली गई। आपको इसमें सीधे दिख रहा है कि 50% का करीबन यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को आपको मिल रहा है, चीज़ आधी हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि 50% कम हो जा रही है। अब जिस ऑप्शन में 50% डिक्रीज दे रखा है उसको आप टिक करेंगे, यहाँ पे 50 नहीं 55 है, तो 55% डिक्रीज मतलब ड्रॉप, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जाना चाहिए। इस तरीके के जो DI हैं वो देख के सॉल्व होते हैं, आपको इसमें सॉल्व करने का ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन विच ईयर डिड मेज रजिस्टर अ नियरली 3 टाइम्स इंक्रीज इन इट्स प्रोडक्शन। आपको वो साल बताना है जिसमें मेज की प्रोडक्शन ने खुद का ट्रिपल कर लिया। तो देख लीजिए आपके ग्राफ में, जहाँ तक मेज का सवाल है तो मेज का मतलब है ये जो डॉटेड रेक्टेंगल है, तो डॉटेड रेक्टेंगल 2004 में अगर आप देखें तो इस तरीके से है, इसकी प्रोडक्शन है करीबन 3, तो 2004 में 3 है। अगर आप 2004 में इसी को देखें तो ये 9 के पार चली जाती है, तो 2005 आपका ऐसा साल हो जाएगा जहाँ पे इंटू 3 का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्स। तो कौन सा साल हो जाएगा, 2005, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन विच ईयर डिड ऑल द 3 क्रॉप्स रजिस्टर एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर। ऐसा आपको साल इसमें बताना है गिवन ग्राफ में से जिसमें 3 की 3ों क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ हो। तो देख लीजिए आपका ग्राफ क्या कहता है इस बारे में। तो ग्राफ आपका इस तरीके से है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2004 से, जहां तक चावल का सवाल है तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जबकि आपसे पूछा था कि यहाँ पे आपको ऐसा साल बताना है जिसमें 3ों की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, एक की भी घटनी नहीं चाहिए। तो 2004 से 2005, मतलब 2005 अपना नहीं होगा, 2005 से अगर आप देखें तो 3ों की प्रोडक्शन कम हो रही है, इसका मतलब 2006 भी नहीं होगा। 2007 की तरफ अगर आप देखें तो इससे पहले कौन सा साल आता है, 2006, ये जो राइस है इसकी भी प्रोडक्शन बढ़ी, इतनी हाइट इसकी बढ़ गई रेक्टेंगल की, इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है आपको दिख रही है और इसकी भी हाइट बढ़ी ही है। तो यहाँ पे जो साल होगा वो हो जाएगा आपका 2007। तो 2007 जिस भी ऑप्शन में दे रखा है इसको आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन विच ईयर वॉज ऑलमोस्ट डबल द क्वांटिटी ऑफ ज्वार प्रोड्यूस्ड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। आपको ऐसा साल बताना है जहाँ पे जो ज्वार का प्रोडक्शन है वो एग्जैक्टली डबल हो गया है पिछले वाले साल के मुकाबले। तो आपका ग्राफ देख लीजिए इस बारे में क्या कहता है। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है, ये रहा 2004 और ये है 2005, और जहाँ तक ज्वार का सवाल है वो ये है। तो यहाँ पे ज्वार की वैल्यू कितनी है, करीबन 4.5 के आसपास, 2-3 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे जो ज्वार की वैल्यू है वो 9.5 के आसपास है। तो 2005 ही हमारा वो साल होगा जहाँ पे इंटू 2 का रिलेशन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू 2004। तो यहाँ पे कौन सा साल सही हो जाएगा, 2005 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच क्रॉप रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट डिप इन द प्रोडक्शन इन विच ईयर व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आपको ना सिर्फ वो फसल बतानी है जबकि वो साल भी बताना है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिला पिछले साल के मुकाबले। यानी कि आपको साल भी बताना है और उस फसल का नाम भी बताना है जो क्या शो कर रही है, सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, ज्वार का प्रोडक्शन 2004 में, मतलब 2007 में, माफ़ कीजिए। तो ऑप्शन ए को चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन ए के हिसाब से ज्वार जो 2007 में है वो 2006 के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। देखिए ये जो रेक्टेंगल की हाइट है वो इससे छोटी है और ये वाली इससे बड़ी है, तो ये तो इंक्रीज को शो करता है ना, तो ये ऑप्शन तो अपना बिल्कुल भी नहीं होगा, ए ऑप्शन हम यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से जो आपकी फसल है वो मक्का है और साल है 2006। तो चलिए चेक कर लेते हैं अपने ग्राफ में, तो ये रहा आपका साल 2006 और ये जो मक्का है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, तो ये है मक्का,
और इसके पहले जो साल आता है वो 2005 है, वहां पे आपकी हाइट रेक्टेंगल की इतनी बड़ी थी, यहाँ पे इतनी छोटी हो गई, तो इससे ज्यादा डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है क्या? ना तो आपको ऐसा कोई साल मिलेगा, ना ही आपको ऐसी कोई फसल मिलेगी, तो ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही चला जाएगा। तो 2006 में मक्का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला DI देख लेते हैं या फिर पैराग्राफ देख लेते हैं। दूसरा DI पैसेज नंबर 3 आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 300 स्टूडेंट की बात हो रही है, वो इन इन राइटर्स की किताब पढ़ना पसंद करते हैं। किसी को J.K. रॉलिंग पसंद है, किसी को एंडी ब्लिटन, किसी को रस्किन बॉन्ड और किसी को रोल्ड डाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन से अपने शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 47, इसमें आपको बताना है कितने परसेंट चिल्ड्रेन इंड ब्लिटन अपने फेवरेट राइटर की किताब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने ग्राफ के हिसाब से एंड ब्लिटन यानी कि ये वाली चीज़, ये टोटल कितने हैं? 50 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 300 हैं। तो 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3% या फिर 16.66%। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 16.66% बच्चे ऐसे हैं जिनको EB नाम के राइटर की किताब पसंद है। अगला देखते हैं, इसमें आपको डिफरेंस बताना है ऐसे बच्चों के बीच में जो EB और रस्किन बॉन्ड की किताब पढ़ना पसंद करते हैं दोनों मिला के, और ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ R.K. रॉलिंग की किताब पढ़ना पसंद करते हैं। तो देख लीजिए अपने ग्राफ में EB और रस्किन बॉन्ड कितने लोग पसंद करते हैं। तो ये हैं EB जो 50 हैं, और रस्किन बॉन्ड कितने हैं? ये 80 हैं। तो 130 बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों को पसंद करते हैं, और ये J.K. रॉलिंग को कितने बच्चे पसंद करते हैं? 110। तो 130 में और 110 में कितने का फर्क है? 20 का फर्क है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 20 बच्चे ऐसे हैं जो आपसे पूछे हुए हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ 1/5 ऑफ द चिल्ड्रेन हु लाइक ई ब्लिटन डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ द सर्वे, वॉट वुड बी द न्यू परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रेन हु लाइक ई बी। जितने भी बच्चे EB को पसंद करते थे उसके 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, 20% बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया सर्वे से, मतलब उन्होंने क्या किया, सर्वे में भाग ही नहीं लिया। तो अब आपको बताना है कि EB को कितने परसेंट बच्चे पसंद करते हैं, मतलब इनके ड्रॉप आउट हो जाने के बाद। तो चलिए ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, ग्राफ के हिसाब से EB को कितने बच्चे पसंद करते हैं? 50। तो 50 का 1/5 कितना होता है? 10। तो 50 में से 10 चले गए तो बचे कितने? 40 बचे। अब आपको इसमें बताना क्या है, देख लीजिए, इसमें आपको इसमें बताना है EB को अब कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो अभी बच्चे कितने हो गए? 40। टोटल कितने? 290। गलती से 300 मत लिखिएगा क्योंकि टोटल में से भी रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। तो 400/29, तो ये 13 के आसपास कुछ आएगा, 13.79 इसका करेक्ट आंसर है। या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, 4/29×100, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 28 होता तो 1/7 होता, 1/7 होता है 14.28%, लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कोई चीज़ बढ़ती है तो ऊपर वाली चीज़ घट जाती है, तो 14 से कम, एक ही ऑप्शन सही है ए, मतलब 14 से थोड़ा सा कम, बाकी सब तो बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ 10% ऑफ द चिल्ड्रेन हु स्टेटेड J.K. रावलिंग एज देयर फेवरेट ऑथर चेंज देयर प्रेफरेंस टू RD, वॉट विल बी द न्यू परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक RD। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट J.K. रावलिंग को अपना फेवरेट ऑथर मानते थे और उनकी किताब पढ़ते थे, उसका 10% अपना माइंड चेंज कर लेता है और किसकी तरफ मूव कर जाते हैं वो सारे स्टूडेंट? RD की तरफ। तो जाहिर सी बात है RD के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे परसेंटेज वाइज ये आपको बताना है। तो चलिए अपने ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, ग्राफ के हिसाब से J.K. रावलिंग को कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं? 110। उसका 10% कितना हो जाएगा? 11। तो 11 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने प्रेफरेंस चेंज कर देंगे किसमें? RD में। तो एक बात बताइए, इससे पहले RD के कितने फॉलोवर्स थे? 80। कितने बढ़ गए? 11। और टोटल फॉलोवर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी सर्वे को छोड़ के नहीं जा रहा है, एक से दूसरे प्रेफरेंस में लोग चेंज कर रहे हैं। तो अभी भी टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? 300। तो 91/300 और गुणे 100। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक कमिट हो गई है, यहाँ पे RD का मतलब ये वाला पार्ट है। तो पहले RD के पास कितने फॉलोअर्स थे? 60। अभी 11 बढ़ के हो गए 71। तो यहाँ पे हम लोग ने गलती से रस्किन बॉन्ड को ले लिया, ये वाली चीज़ नहीं होगी।
तो 71 पहले थे, अभी भी स्टूडेंट में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा है, और ये हो जाएगा इन 200 परसेंटेज वाइज हमको बताना है। तो 71/3 24 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो 24 से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 23.6।